हेलो गाइस, वेलकम टू योर अनुपमा चैनल। आज हम बनाएंगे सहजन फूल की रोटी। इसके रोटी खाने में बहुत अच्छा लगता है और सेहत के लिए भी फायदेमंद है। सारे फूल को तोड़ लिया था, इसे उबाल देंगे। उबालने से इसका कस्सापन ख़त्म हो जाता है। ऐसे बनाएंगे तो कस लगेगा खाने में। देखिए, मैंने उबाल दिया है, सारे को छान देंगे। अब इसे चॉपर में चॉप करेंगे। हल्का ठंडा हो तब चॉपर करें आप। सभी को पानी गार देंगे। गार के दिखा रहे हैं, सभी पानी निकाल दिया है। 2 से 3 टमाटर का पेस्ट बनाए, 2 प्याज का पेस्ट बनाए, मसाला पीसे, फूल है, धनिया पत्ता, हाफ के जी गेहूँ काटा लिया है, 1 कटोरी चावल काटा लिया है, थोड़ा सा नमक डालेंगे 1 चम्मच, 1 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे। सभी को मिक्स करेंगे। प्याज का पेस्ट डालेंगे, टमाटर का भी पेस्ट डालेंगे, फूल डालेंगे, मसाला पीस के रखे थे उसे डालेंगे। सभी को मिलाएंगे। मसाला में आधी लहसुन, जीरा गोलकी, मिर्ची, सभी का पेस्ट बनाया। देखिए, मेरा आटा रेडी हो गया। इसे ढक कर के छोड़ देंगे। तब तक हम चलिए चने दाल की तैयारी करते हैं। चने दाल की तैयारी करने के लिए मैं चना दाल को धो लिया था पहले से। 2 से 3 सूखी मिर्ची देंगे। 100 ग्राम चना का दाल है। तेल भी गर्म हो गया, से कलर चेंज होने तक पकाएंगे। कलर चेंज हो गया, अब इसे गर्म पानी में फूलने दे देंगे। तब तक रोटी की तैयारी करेंगे। रोटी बना रहे हैं। इस रोटी को आप घी से या रिफाइन से बनाएं, खाने में बहुत अच्छा लगता है और बहुत टेस्टी लगता है। आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि हम जो भी बनाएं आप झट से देख पाएं। इसी तरह से सारी रोटियां को बनाएंगे हैं। ये मैंने सारी रोटी बना ली है। आधा घंटा हो गया है, चने का दाल फूल गया था। मैंने चटनी भी पीस लिया मिक्सर में। ये कितने सुंदर लग रहा है, चटनी और रोटी खा के बताएं।